शीट ऑब्जेक्ट में हमें ये देखना है कि पहले यहाँ से एड इन हटा दूँ मैं, एक्सेल फाइल में एक एड इन लगा हुआ है, अरे सेस के चल रहा है। तो शीट ऑब्जेक्ट में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि हम रेंज से कैसे हमें यूज़ करना है उनको। अब शीट ऑब्जेक्ट के लिए देखिए, कोई भी शीट आपको यूज़ करनी है, आप कीवर्ड यूज़ करेंगे शीट्स, ठीक है। अगर आप बात करते हैं शीट वन की, तो हम इसमें शीट का नाम देंगे शीट वन, ठीक है। शीट वन डॉट एक्टिवेट, अगर मैं किसी अदर शीट पे हूँ और मुझे ये शीट ओपन करनी है, मतलब एक्टिवेट करनी है, एक्टिवेट मतलब इस तरह से होता है, तो हाँ, तो एक्टिवेट करने के लिए जब मैक्रो करूँगा तो ये क्या करेगा, ये इसको जाके एक्टिवेट कर देगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे शीट एक्टिवेट नहीं करनी, पर शीट फाइव के रेंज ए वन में मुझे वैल्यू पुट करनी है कुछ, ठीक है। वैल्यू मैं डायरेक्ट डाल सकता हूँ, पर बात कहें उसको अगर डिलीट कराने की, रो डिलीट करना, फिल्टर लगाना, तो ये सब काम मैं शीट एक्टिवेट करके ही करा सकता हूँ। वैल्यू ट्रांसफ़र करना है तो आप कर सकते हैं विदाउट शीट को एक्टिवेट किए, कॉपी पेस्ट करना है तब भी एक्टिवेट कराना पड़ेगा, पर अगर आपको वैल्यू, सिर्फ वैल्यू जो है ट्रांसफ़र, वो आप बगैर एक्टिवेट कराए कर सकते हो। तो हम इस तरह से रेंज देंगे शीट्स, शीट फाइव, शीट का नाम देंगे सीधा, फिर डॉट रेंज ए वन, ठीक है। तो मतलब शीट जो है इसकी पेरेंट प्रॉपर्टी है, रेंज की पेरेंट ऑब्जेक्ट है, शीट के अंदर होता है हमारा रेंज, रेंज के अंदर फिर अलग फॉन्ट बोल्ड वगैरह, इसी तरह शीट से पहले वर्कबुक होता है, ठीक है। तो अगर आप एक्टिव शीट में हो तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट रेंज रेंज यूज़ किया था, पर अगर हमें अदर शीट का यूज़ करना है तो हमें शीट फाइव रेफरेंस देना पड़ता है कि उससे ये वैल्यू डालनी है या निकालनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर मैं ये मैक्रो इस शीट पे होके चलाता हूँ, डेवलपर में जाएंगे, ये मैक्रो वाला आपका टैब है, इसके अंदर जो मैक्रो बनाएंगे आ जाएगा, तो रन का किया, हमें ये यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी। आप चाहते हैं वहाँ जो वैल्यू पड़ी है मैं यहाँ ए फाइव में डलवा दूँ, तो ये मैं करूँगा रेंज ए फाइव डॉट वैल्यू इक्वल टू इस तरह से, ये वाला ऊपर दे देता हूँ मैं, और ये तो अब क्या होगा, ये वैल्यू जो है ट्रांसफ़र होगी ए फाइव में, इसको कमेंट कर देता हूँ। तो मैक्रो जब रन करूँगा मैं, तो ये यहाँ आ गई, वहाँ मैंने कहा कि वहाँ जो वैल्यू पड़ी हुई है, चाहे यहाँ पे कुछ भी लिखा होता, तो जब मैं क्लिक करूँगा ये मैक्रो चलाऊँगा, तो वो वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी मेरे, कॉपी एक अलग टर्म होती है, ठीक है। नहीं नहीं, वहाँ पे भी रहेगी, यहाँ पे भी आ जाएगी, ठीक है। मतलब लिंकिंग नहीं है, सिर्फ है कॉपी पेस्ट जैसा ही, कि वहाँ से वैल्यू उठा के लाए, बस वही है, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आप शीट के बीच में वैल्यूज डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या कर सकते हैं हम शीट से, देखो शीट्स के इंडेक्स भी चलते हैं, तो शीट का हम या तो नाम लिख दें,
या शीट्स का हम ऐसे करते हैं कि इंडेक्स नंबर दे देते हैं कि पहली वाली शीट, दूसरी वाली शीट, 1, 2, 3, 4 करके, ठीक है। ठीक है, तो इसको जब हम करेंगे doesn't support this property or method, अच्छा रेंज में मैंने गलत लिख दिया, equal to ठीक है, तो इसका मतलब हो गया ये पहली वाली शीट, ठीक है। तो पहली वाली शीट में तो 1, 2, 3, 4 से कर सकते हैं। अब मान लो मुझे एक शीट ऐड करनी है, नई शीट ऐड करनी है, हाँ, जो शीट के फंक्शन होते हैं हमारे, तो शीट्स डॉट ऐड, ठीक है, शीट डॉट ऐड चलाऊंगा तो शीट हो जाएगी ऐड हमारे पास, पर अभी ये कहाँ ऐड होगी कोई पता नहीं है। रन, शीट 6 करके आ गई, ठीक है, तो इधर आ गई। मैं चाहता हूँ कि सबसे लास्ट में होनी चाहिए, है ना, तो ये शीट डॉट ऐड की ही प्रॉपर्टी है। देखो एक होता है कि कितनी शीट है वर्कबुक में, जैसे मुझे जानना हो तो मेरे पास है, मैं जी बहु शीट्स डॉट काउंट, ये आपको बताएगा कि कितनी शीट्स हैं आपके पास, ठीक है। तो अगर मैं खाली ये चलाऊं तो ये मुझे ये बताएगा कि कितनी शीट है, टोटल 5 शीट है। तो इसमें क्या करना है मुझे, शीट्स डॉट ऐड में, कि सबसे लास्ट में ही हो, शीट्स डॉट ऐड स्पेस करेंगे तो बाकी पैरामीटर आते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक तरीका होता है, देखो ऐड जो कर रहे हैं यहाँ पे आ रहा है, जैसे एक फंक्शन होता है ना हमारा, जैसे ये करते हैं कोई भी फंक्शन लगाते हैं, इसमें दो तरीके से फंक्शन लगते हैं आपके। एक तो आप जैसे मैसेज बॉक्स के आगे स्पेस कर दे रहा हूँ, ठीक है, और दूसरा मैं ब्रैकेट लगा के ऐसे भी चला सकता हूँ, ठीक है। तो दो तरीके से चलते हैं, ब्रैकेट लगा के जिसके आगे स्टार्ट करते हैं, इसका मतलब कि ये किसी ना किसी को वैल्यू दे सकता है, ठीक है। इसीलिए इनपुट बॉक्स जब हमने यूज़ किया था तो ये वाला ब्रैकेट यूज़ हुआ था, पर जब किसी को वैल्यू नहीं देनी है, जैसे मैसेज बॉक्स ने किसी को देनी नहीं है वैल्यू, है ना, मैसेज बॉक्स भी दे सकता है कब, कि उसका बटन कौन सा प्रेस हुआ है, तो 0, 1 रिटर्न करता है ये, ठीक है। तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अभी स्पेस करके कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पैरामीटर, ये जो पैरामीटर है बिफोर आफ्टर काउंट और टाइप, फंक्शन के पैरामीटर देने होते हैं, इसमें पैरामीटर का है कि अगर मुझे डायरेक्ट आफ्टर में देना हो, या तो मैं क्या करूं, फंक्शन में पैरामीटर हम लोग ऐसे देते हैं कि पहला पैरामीटर फिर कॉमा करके दूसरा फिर तीसरा, इस तरह से देते हैं, ये बोल्ड बोल्ड होके आ रहा है ना। पर इसमें अगर मुझे खाली एक ही पैरामीटर यूज़ करना है, जैसे मुझे आफ्टर वाला यूज़ करना है, ठीक है, तो मैं करूँगा आफ्टर कॉलन लगाऊँगा और इक्वल टू, डायरेक्ट बोल्ड हो गया। तो इसके अंदर जो वैल्यू देनी है वो मैं अब दे सकता हूँ कि शीट्स डॉट काउंट, शीट्स डॉट काउंट क्या करेगा, मुझे नंबर देगा कि टोटल कितनी है, और शीट्स में वो नंबर मैं डलवा दूंगा, समझे क्या होगा। शीट्स डॉट काउंट करेगी 5, तो शीट 5 के आफ्टर में एक शीट इंसर्ट करनी है, ये मतलब हुआ इसका, ठीक है। अब इसको चला के देखते हैं, रन, तो इसके बगल में एंटर हो रही, हाँ इसलिए 7। और आप चाहते हैं कि जब आप शीट ऐड कराए तो आपसे पूछे कि इसका नाम क्या रखना है ना,
आप इनपुट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि आप देख रहे हो कि जैसे ही शीट ऐड होती है वो वाली शीट एक्टिव हो जाती है। इसमें एक कीवर्ड है जिससे आप एक्टिव शीट यूज़ कर सकते हो। एक्टिव शीट एक कीवर्ड है जो आपका रेफरेंस करेगा एक्टिव शीट को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हाँ जी, हाँ, शीट्स डॉट काउंट आपको पहले ही दे देगा। देखो ऐड करने से पहले ही ये, देखो जब तक ये पैरामीटर इसके अंदर जाएगा नहीं फंक्शन के अंदर तब तक ये चलेगा नहीं, तो पहले ये सब कैलकुलेट होगा। पहले शीट कितनी है निकाली उसने, 5 है, फिर शीट 5 आ गया, मतलब 5वीं शीट के आफ्टर में करनी है, तब इसने ऐड करी, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले ही इसके पास चली जाती है, ठीक है। और जब अगली बार करेंगे तो 6, 7 इस तरह से वो हमेशा लास्ट में ही होती रहेगी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक्टिव शीट का नाम, एक्टिव शीट, शीट्स का भी वो है और एक्टिव शीट का भी नेम प्रॉपर्टी है। आप इससे नेम जान भी सकते हो और इसका नाम चेंज भी कर सकते हो। तो इक्वल टू में मैं इनपुट बॉक्स से ले ले रहा हूँ, वो इनपुट करेगा एंटर शीट नेम, या आप खुद भी डलवा सकते हो, ठीक है। तो अब जब मैं ये चलाऊंगा मैक्रो, तो ये क्या करेगा, पूछ रहा है शीट का नाम एंटर करें, शीट 8 के नाम से आ रहा है अभी, तो मैंने कर दिया डेटा, इसका नाम हो गया डेटा, ठीक है। आप चाहें तो ये किसी स्ट्रिंग वैल्यू में अलग से सेव करा सकते हैं ताकि आपको दिखे भी ना कि शीट 8 आई थी, है ना। जैसे कि मैं कर देता हूँ dim s as string, string value s equal to input box, ये हो गया, ठीक है। और यहाँ पे हम नाम डाल देंगे s का, ठीक है, तो s से नाम ले लेगी। मैक्रो रन किया मैंने, अभी देखो शीट नहीं आई है, तो जो नाम डालूंगा इसका डेटा फाइनल, ठीक है, अभी शीट नहीं आई है, जैसे ही ओके करूंगा वैसे ही ये शीट आएगी, तो मतलब आपको दिखाई भी नहीं देगी, ठीक है। पहले ही नाम ले लिया हमने इसमें, एस के अंदर सेव करा दिया और एस से एक्टिव शीट डॉट नेम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है। और क्या करते हैं हम शीट के साथ, इंसर्ट का आ गया, डिलीट करना है, हैं? तो डिलीट करने, हाँ, कलर मतलब शीट का टैब कलर चेंज करते हैं, शीट को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन किया था ना हमने, प्रोटेक्ट करते हैं शीट को। तो शीट्स डॉट डिलीट अगर करनी है, डिलीट, पर शीट कौन सी डिलीट करनी है, इसमें नाम दे दीजिए डेटा फाइनल डॉट डिलीट, ठीक है। अब एक बार इसको डिलीट करते हैं, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी कमेंट कर देता हूँ। अब इसको डिलीट करना है मुझे, ये मैक्रो चलेगा रन। अब ये देखो, यू कांट अंडू दिस शीट, ये मैसेज आ रहा है, पूछ रहा है डिलीट करनी है नहीं करनी है, कैंसिल कर दूंगा नहीं करेंगे, मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आए ही ना, हाँ डायरेक्ट डिलीट मारे, कुछ पूछे अच्छे ना, बीच में मैं कई बार कितनी भी शीट डिलीट कराऊँ। तो इसके लिए एक कोड चलता है जो आपके सिस्टम की सेटिंग होती है, एप्लीकेशन की सेटिंग होती है, वो सारे कोड एप्लीकेशन करके चलेंगे। तो वो आप डालेंगे एप्लीकेशन डॉट, ज़्यादा पी आ गए, एप्लीकेशन डॉट डिस्प्ले अलर्ट, तो जो अलर्ट डिस्प्ले हो रहे हैं वो नहीं होंगे अगर आप इसको फॉल्स कर देंगे, हाँ पर उसके बाद इसको ट्रू भी करा लें, क्योंकि आप सेटिंग चेंज कर रहे हो सिस्टम की, ठीक है ना। तो जो भी सेटिंग यहाँ से कर रहे हो उसको ट्रू कराना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो सिस्टम आपके में ऐसे ही हो, कहीं भी एरर नहीं दिखाएगा, ठीक है। तो फॉल्स करा के ट्रू करा दिया। तो अब अगर मैं ये मैक्रो चलाता हूँ,
तो ये बगैर कुछ पूछे आछे डिलीट कर देगा। ठीक है, तो शीट का ये समझ आया। अब शीट को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है, शीट डॉट प्रोटेक्ट है, तो एक्टिव शीट भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे एक्टिव सेल है, एक्टिव शीट है, और एक्टिव वर्कबुक का भी होता है, तो एक्टिव शीट है इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, एक्टिव शीट डॉट प्रोटेक्ट। अगर आप इस एक्टिव शीट पे लिखते तो कौन बाय डिफॉल्ट कौन सी शीट पे, तो जो भी एक्टिव होती है वो मतलब, हाँ शीट का रेफरेंस तो आपको देना पड़ता, बगैर शीट के तो प्रोटेक्ट आएगा ही नहीं। तो या तो आप शीट्स वाला ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है, तो इसमें भी आपको देना है शीट्स में नंबर कौन सी शीट्स, हाँ शीट्स कौन सी वाली है, तभी ऑप्शन आएगा, या फिर एक्टिव शीट। तो मैं एक्टिव शीट डॉट प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। तो अभी क्या कर रहा हूँ, मैक्रो में मैंने चलाया, एक सेकेंड, पहले मैंने ये डिलीट वाला जो मैक्रो है इसको मैं क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट करते हैं शीट को, मैक्रो रन। ठीक है, तो अब शीट प्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, अनप्रोटेक्ट करना है तो इसका अनप्रोटेक्ट है। ठीक है, अब इसको चलाएंगे मैक्रो। अच्छा एक बार जो हम मैक्रो ये चला रहे हैं ना, मैं चाहता हूँ ये बार बार यहाँ से जाके ना चलाऊँ, बटन पे सेट कर दूँ। हाँ, तो इंसर्ट से कोई भी शेप आप कर लीजिए, यहाँ पे मैं कर देता हूँ, पहले अनप्रोटेक्ट कर देता हूँ फिर शेप डाल के प्रोटेक्ट कर दूँगा। ये कोई भी बटन, कोई भी शेप आप यूज़ कर सकते हैं, कैसा भी बढ़िया सा डिज़ाइन ले सकते हैं और कुछ भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। इसमें आपको करना क्या है, राइट क्लिक, असाइन मैक्रो, नेट से कोई इमेज भी ले सकते हैं बटन वाली। ठीक है, असाइन मैक्रो में फिर आपने मैक्रो सिलेक्ट करना है, ओके करना है। अब ये क्लिक का साइन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हेलो, हाँ जी संदीप बोल रहा हूँ। हाँ, ये जी ब्लॉक में पड़ेगा, 134 नियर मुस्कान टेलर्स, एसजीएम नगर, मुस्कान टेलर्स पे आप आएंगे ना तो राइट में ही आ जाइए, उसमें दिख जाएगा। ठीक है, राइट गली में हाँ, उसमें आ गई, हाँ 134 ही लिखा है। कुरियर था, तो इसमें अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, अब ये मैक्रो चलेगा। अभी मैं प्रोटेक्ट कर देता हूँ शीट को, क्योंकि प्रोटेक्ट थी ना, तो जैसे ही मैंने क्लिक किया ये अनप्रोटेक्ट हो गई। ठीक है, तो अनप्रोटेक्ट, पर प्रोटेक्शन में पासवर्ड देना है तो कैसे देना है। ठीक है, तो प्रोटेक्शन में अगर आपने पासवर्ड देना है तो वही वाला मेथड है, जैसे ही स्पेस मारेंगे। अब अनप्रोटेक्ट में तो कुछ नहीं है, एक मिनट, प्रोटेक्ट ब्रैकेट कर लेते हैं, एक्टिव शीट डॉट प्रोटेक्ट स्पेस नहीं आ रहा, हालांकि पासवर्ड ऐसे ही पड़ता है 1234। ठीक है, हाँ स्पेस देके। ठीक है, अब हम इसमें अगर अब चलाते हैं इसको तो ये क्या करेगा, प्रोटेक्ट विद पासवर्ड हो जाएगा। अगर अनप्रोटेक्ट करूँगा इसको तो ये मेरे से पासवर्ड मांगेगा। ठीक है, और अनप्रोटेक्ट भी ऐसे ही हो जाएगा, अनप्रोटेक्ट हो गया। पासवर्ड दे दिया इसीलिए, हाँ पासवर्ड देना होता है। ठीक है,
तो आप ये क्या कर सकते हैं, इसको इनपुट बॉक्स से ले सकते हैं एंटर पासवर्ड, ठीक है, एंड प्रोटेक्ट, प्रोटेक्ट में दोनों में ही ऐसे ही पासवर्ड चलेगा। बाकी अब जब आप रिकॉर्ड करेंगे मैक्रो को तो आपको ये समझ आ जाएगा कि प्रोटेक्शन अनप्रोटेक्शन होती कैसे, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसकी, ठीक है। तो ये हमने दो चीज़ें करी, और क्या करते हैं हम इसके अलावा शीट के साथ, मतलब कि इसमें शीट में आपका वो सब सारी चीज़ें होंगी जो हम करना चाहते हैं, ठीक है। हाँ, एक्टिव शीट डॉट टैब कलर, इससे आ रहा है नहीं आ रहा, एक सेकेंड, डॉट करके ऑप्शन नहीं चल रहा है, शीट्स डॉट अपने आप ऑप्शन नहीं चल रहा है इसमें, शीट्स रेंज, सबसे बढ़िया तरीका रिकॉर्ड कर लो, डेवलपर रिकॉर्ड, क्योंकि हर कोड याद रखना मुश्किल है, कुछ कोड होंगे जो आपको याद रखने होंगे, बाकी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, जैसे ही रिकॉर्ड किया अपना काम करो, ठीक है, और स्टॉप कर दो। मैक्रो में देखोगे एक मैक्रो वन के नाम से, मैक्रो टू के नाम से आएगा, एडिट में जाओगे तो आप ये मॉड्यूल टू में ये आ गया, ये है एक्टिव, ये शीट्स डेटा डॉट टैब डॉट कलर है, टैब डॉट कलर है, ठीक है। तो ये चलेगा एक्टिव शीट डॉट टैब डॉट कलर, और इसमें कोई भी कलर दो, ऐसे दे दो, वी बी रेड, वी बी ग्रीन, वी बी ब्लैक, वी बी येलो, वी बी लगा दें उसके आगे, उसका साइन है कि वी बी स्मॉल में आएगा, आर आपका जो भी कलर नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल हो जाएगा, तो मतलब सही कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने किया, कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो ये आप रिकॉर्डिंग से इसको समझ सकते हो, ज़्यादातर आप अभी रिकॉर्डिंग का, मैं और भी चीज़ें दिखाऊंगा धीरे धीरे, हम यूज़ करते रहेंगे। टैब कलर के बाद एक और चीज़ यूज़ करते हैं हम शीट से, बहुत इंसर्ट डिलीट प्रोटेक्ट मूव भी करते हैं, कॉपी भी करते हैं, शीट मूव एंड कॉपी, हाँ मतलब लगा लेते हैं कॉपी करना है, उसका भी रिकॉर्डिंग से निकाल लो, रिकॉर्ड मैक्रो, राइट क्लिक, मूव एंड कॉपी, अच्छा हाइड भी करते हैं, मूव एंड कॉपी, तो मूव टू एंड किया मैंने, क्रिएट अ कॉपी कर दिया, ठीक है, मूव टू एंड तो एंड पे है, हाँ मतलब एक कॉपी क्रिएट कर दी, ठीक है। स्टॉप रिकॉर्डिंग, ये आ गया मैक्रो टू के नाम से, एडिट गए तो मैक्रो टू में शीट्स डॉट कॉपी आफ्टर शीट सिक्स, ये वही वाला मेथड है जो ऐड कराने का था, ये सिर्फ कॉपी कराने का है, ठीक है। तो ये सब आपको रिकॉर्डिंग से भी मिल जाएगा, ठीक है। अब हाइड कराने का, हाइड में एक बढ़िया फीचर है, जैसे मैंने क्या किया, अब मैं क्या कराता हूँ, शीट वन को करवाता हूँ, क्योंकि हम शीट डेटा पे तो काम ही कर रहे हैं, शीट्स डॉट शीट वन डॉट हाइड, हाइड ये ऐसे नहीं चलता है, ये चलता है विजिबल के नाम से, विजिबल ट्रू फॉल्स, तो विजिबल को अगर मैंने ट्रू कर दिया तो ये अब ये जो शीट वन है मेरी, शीट वन ये हो गई, ये चल रहा है मैक्रो, नहीं चल रहा,
अच्छा विजिबल ट्रू किया यार, फॉल्स फॉल्स। तो ये गायब हो गई, वापस करना है ट्रू कर दीजिए। तो ट्रू फॉल्स तो आपको आसान है करना, आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि ऐसी चीज़ करूँ, देखो यहाँ से जब मैं हाइड करता हूँ मान लीजिए ये हाइड की कर दी मैंने, तो मैं इसको जाके यहाँ पे राइट क्लिक करके अनहाइड कर सकता हूँ, मुझे हिडन शीट दिखा रहा है, ठीक है। मैं चाहता हूँ वो दिखाए ही ना, ठीक है। तो मैं इसका ऑप्शन यहाँ पे कर देता हूँ ट्रू फॉल्स, ट्रू। ये जो ऑप्शन है वो है एक्सेल वेरी हिडन, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वेरी हिडन फॉर्मेट है। अब मैं क्या कराता हूँ, इसमें गया, अभी तो अनहाइड कर देता हूँ पहले, एक बार अनहाइड कर दिया। अब गया जाता हूँ यहाँ से, मैंने वेरी हिडन कर दिया। फिर आप यहाँ से कितना भी कर लें अनहाइड तो आएगा ही नहीं आपके पास, मतलब अनहाइड आएगा अगर कोई नॉर्मल हाइड होगी तो, इन शीट के लिए नहीं आएगा। तो ये जो, हाँ ये जो भी हम कर रहे हैं ना अभी, शीट डॉट ऐड और शीट डॉट कॉपी, इनको छोड़ के ज़्यादातर जो है वो प्रॉपर्टी हैं और प्रोटेक्ट एंड प्रोटेक्ट, बाकी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी से मतलब होता है कि ये वैल्यू दे भी सकती हैं ले भी सकती हैं। इन ये एक सेटिंग है जिसको आप ट्रू फॉल्स में आप सेट करते हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको शीट की सेटिंग चेक करनी है, जैसे कि आपने करना है, मैं कौन सी शीट पे काम कर रहा था, वन का मैंने करा था ना, तो इस पे जब क्लिक करूँगा आपकी एक प्रॉपर्टी विंडो है, तो शीट वन की प्रॉपर्टी आ गई कि उसको पेज ब्रेक दिखाने हैं कि नहीं दिखाने। अच्छा एक और, गली नंबर एक जी ब्लॉक, फिर मुस्कान टेलर से राइट, हाँ हाँ बस नेक्स्ट गली, गली नंबर एक है। और भी आ रहे हैं आपके साथ ही। तो अब क्या करना है इसमें, हाँ मैं ये प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था। तो हम जो विजिबल प्रॉपर्टी के साथ कर रहे थे, इसमें है ये एक्सेल वेरी हिडन, ये रहा एक्सेल शीट विजिबल, एक्सेल शीट हिडन, एक्सेल शीट वेरी हिडन, ठीक है। तो ट्रू फॉल्स से इन दोनों का काम हो जाता है, पर वेरी हिडन आपको देना पड़ता है, एक्सेल वेरी हिडन करके आपको देना पड़ता है। तो मतलब इन पे करेंगे तो इनकी प्रॉपर्टी आ जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, बस ट्रू करना है, शीट को ट्रू करना है बस, और या यहाँ से जाके प्रॉपर्टी में जाके चेंज कर दो, यहाँ से भी कर सकते हैं कोड से भी कर सकते हैं। ये आया, आ गई, ठीक है। तो हाइड करने के दो मोड है, फॉल्स और वेरी हिडन। वेरी हिडन सिर्फ VBA से आपकी अनहाइड होगी, ठीक है। तो इसके अलावा क्या करते हैं हम लोग, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बाकी हम एग्जांपल्स में देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतने ही कोड हैं आपके पास, रेंज के हो गए, प्रैक्टिस करने के लिए बहुत मटेरियल है, रेंज वाला और ये मिला के आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। रेंज रेंज का मतलब जो मैंने रेंज का बताया, और ये अब इनको करके यहाँ पे एक फॉर्म बनाया, इधर से उधर वैल्यू ट्रांसफ़र करी, उस शीट को हाइड कराया,
पासवर्ड लगा दिया कहीं, ठीक है, शीट डिलीट करानी है, इनेबल करानी है, तो छोटे मोटे कोड आप अभी बना सकते हो। वर्कबुक वाला जब मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, उसके बाद से हम इस पर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट छोटे छोटे करना शुरू करेंगे, ठीक है, जहाँ फाइल से दूसरी फाइल से वैल्यू उठानी है, ठीक है, फाइल को ओपन करवाना, क्लोज करवाना, तो हम नेक्स्ट में देखेंगे, ठीक है। इसको सेव कर देता हूँ फाइल को, और यहाँ डेस्कटॉप पे डाल देता हूँ इसका शीट ऑब्जेक्ट, ठीक है।